जो आध्यात्मिक ऐसी हो गया कि सब अपने अपने हैं, बहुत थोड़ा सा जानते हैं अंश भर, और वो उसको हाँ पूर्ण पूर्ण मान लेते हैं कि बस मैं यही है, इतना ही है, और कर्म कांड तक सीमित है। हाँ आचरण में धर्म है ही नहीं किसी के भी, ना के हाँ बराबर। आचरण में धर्म नहीं है, उनके यहाँ से कोई न्याय नहीं छलकता है, वो खाली पैसे कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अच्छा, ना कोई बस दिशा देने वाला है सही बिल्कुल मायने में, वो भी पैसे के चक्कर में ही रहता है। बस वही, इसी संसार की ही चीज को वो करता रहता है, क्या फायदा फिर हाँ, वही तो जो सबसे समझ में बड़ा आता दुर्भाग्य कह लो या ये है कि आज हम जो है है। मानो एक तरह से दिशा विहीन हो रहा है इस क्षेत्र को लेके। और जो जितने पार्टियां हैं ना, उन लोगों ने समझ लो कि आप अधिकतर जितने भी संत हैं उन सबके गले में पट्टा डाल रखा है, हाँ, बस वही है धर्म। किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है हर जितने भी साधु संत हैं, और हाँ, उसी का एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और जो नहीं गुणगान कर रहे करेगा हैं। हाँ उसको वो पाखंडी बोल देते हैं। हाँ जो नहीं करेगा उसको बाचा वाले बोल रहे हो, ये तो पाखंडी, जो कई उसका गाना तो गाएगा वो देखो, कहेगा ये ठीक है। हाँ, तो बड़ा ये बड़ा पद तो मुद्दा पा लेते हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, या तो उन्हें पता ही नहीं है, या फिर वो किसी पार्टी विशेष की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, पैसे की लालच भी आ जाता है। है। हाँ हाँ वो तो मिलाते हैं ना वो, और फिर वही अच्छा, मुख्य सही आसाम सही में वो बात वही कहने कर, में लोग हिचकता भी है, चाहे वो साधु है संत, वो सही बात कह ही नहीं पा रहा कह ही नहीं के पा रहा, कारण तो कुछ भी साहस हो। ही नहीं जुट रहा है इतना। हाँ हाँ उपदेश दे रहा है साहस का, लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहा, सत्य का हाँ उपदेश दे रहा है, सांस सत्य नहीं बोल पा रहा है। नहीं है, सही कर। और फिर कहीं न कहीं वो ही आगे ले जाए कि फिर आखिर में अपनी सुख सुविधाएं आ जाती हैं उनके चक्कर में, फिर वो बस फिर उसी चक्कर में फिर वही गृहस्थी, दिशाहीन हो जाता है वो फिर। फिर वही गृहस्थी। हाँ हाँ फिर उसमें कुछ दम नहीं लगता है, हाँ बात कहीं और है। उपदेश देना तो सबसे आसान है दुनिया में, उपदेश उसको देना करके तो है, लेकिन तो दिखाना कठिन होता है ना, चल करके चल के दिखलाना। दिखाना, वो ये कि उसको जीवन में उतारना ही तो सबसे बड़ी बात है। उपदेश तो कितना है, उपदेश को धंधा भी लोग बना लिए हैं। हाँ कथावाचक है, कथा कह रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कितना कितना लाखों रुपया ले रहे हैं कथा कहने का, यही सब हाँ, चल कथा रहा है। कहने में वो भी बात, बड़े बड़े के 7 दिन भी कथा करेंगे तो भी वो छोटा सा प्रश्न पे अटके रहते हैं, कोई आगे ज्यादा नहीं बढ़ते, वो नहीं ना बढ़ते कथा की पूरी बात बता पाते हैं, और ले दे के मतलब इतनी बुरी हाल में तो कई बार देखता हूँ वहाँ कि सुदामा का चरित्र है, निस्वार्थ त्याग का चरित्र था सुदामा। अब जहां भी भागवत कथा होती है वो उसको हाथ में कमंडल दे के एक भिखारी की तरह घुमा देते हैं उसको, हो गया और लोग सुधाम। क्या देते हैं, 10 20 50 100 रुपए उसके में डालते जाते हैं, और वो हर एक के पास पहुंच रहा है भाई। तो ये तो कोई सुदामा क्या चरित्र हो नहीं गया, हो। भिखारी हो गया वो तो हाँ, भिखारी हो गया वो। बस। तो ये चीजें थोड़ी सी मतलब सही आदमी को तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन ज्यादातर का एक यही बन गया भाई, वो भी ये महसूस करता है 10 20 50 रुपए दे के कि मैंने बहुत बड़ा हाँ पुण्य कर सोचा दिया। चलो भाई अपने धर्म की बात है, कुछ दे दो हाँ, कुछ दे दें बर्खास्त। तो ये चीजें स्थिति जो है। अच्छा, हर एक दिन कोई न कोई एक ऐसा प्रसंग जोड़ देंगे, आज ये कन्यादान हो रहा, आज विवाह हो रहा, आज सुदामा जी आ रहे हैं। हाँ, बस तो पर करने में बहुत लग गए सही अभी मायने में। देखो, कह तो ये देते भी चलो कथा जैसा भी वो कह रहा है, पर वो तो श्रोता शादी को बांध भी नहीं पाते। हाँ ब्याह करा रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। निरंजन जी, हेलो, अभी तो ये कथावाचक जो है अपने मंचों पर जो है, अभी तो शादी ब्याह करा रहे हैं, कभी भगवान राम का करा रहे हैं, कभी कृष्ण का करा रहे हाँ थोड़ी हैं, कम मार रही महाराज। ये कह रहा हूँ, हाँ ये कह रहा हूँ कि अभी जो कथावाचक हैं हाँ हाँ ये तो शादी ब्याह करा रहे हैं मंचों पर, भगवान आपका किसका, हाँ शिव जी का। हाँ 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 अब हम मुझे तो ये भी भय लगता है कि कुछ दिनों के बाद कहीं ऐसा ना करें कि भाई आज तो राम और रावण का युद्ध होने वाला है, तो बहुत हथियार खरीदने होंगे, उसका भी पैसा हाँ तो आगे आने वाले टाइम में देखो रास्ता निकालते हैं वो सब, हाँ और हो सकता है जो आप कह रहे हो वहां तक पहुंच भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ भाई आज युद्ध होने वाला है, ऐसे बहुत रथ की जरूरत होगी, घोड़े की जरूरत होगी, बहुत हाँ तरह तरह के तलवार भाले बर्छे सब खरीदने होंगे, तो हाँ उसका पैसे निकालो। हाँ अरे सब तमाशा करके सब, अरे इसे क्या आध्यात्मिक होने में इन सब का क्या महत्व है, कुछ नहीं है, ये हाँ लड़कों इनका वाली कोई बातें विशेष वो बाकी नहीं है, सही कह रहा। बच्चों वाली बातें,
जिसको सीरियल देख रहा है टीवी में, सीरियल आ ही रहा है, उसी चीज को ड्रामा के रूप में हाँ क्या प्रस्तुत कर रहे हो? कुछ प्रसंग होते हैं मार्मिक, कुछ लोग व्यक्त कर पाते हैं, वो हर एक वो व्यक्त भी नहीं कर पाता, भावनात्मक रूप से कह लो या थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें होती जरूर है जो आदमी थोड़ा सा उसमें अच्छा लगता है, लेकिन वो जब भी अच्छा लगेगा या भाई वो भी उसको फॉलो कर रहा हो और वो भी अपने जीवन में उतारे तो जीवन में या कौन तब उतार रहा है? जीवन में तो बस चारावाक उतरा हुआ है। हाँ जीवन में चारावाक उतरा हुआ है। ऋण कृपया उसी पर चल रहे हैं। हाँ, हाँ सब जगह से लोन लिया जा रहा है, ब्याज भरा जा रहा है, यही चल रहा ज्ञात है। सब इतिहास की सुविधाओं बात को बटोर करें रहे हैं, तो है? सुविधाओं को लोग बटोर रहे हैं, जो जहाँ है बस वहाँ पर बस यही है। समाज के लिए कुछ न्यायपूर्ण व्यवस्था के नहीं सोचते हैं। अध्यात्म में वास्तविक तप तपस्या की बात, ध्यान साधना है। मैं अपने यहाँ हाँ आश्रम पर ध्यान वगैरह में करवाता हूँ तो क्या 10-15 मिनट बैठने में अकुलाने लगते हैं सब, लेकिन हाँ यहाँ 5 घंटा बैठना है, वहाँ तुम 10 मिनट में बुलाओगे कैसे होगा? फिर जरूरी काम है, जरूरी काम में चले जाते हैं ऐसे बोल के। हाँ हाँ तो इतनी अधीरता है लोगों में, इतनी अशांति है कि वो बैठ नहीं सकते 2-4 मिनट भी चैन से। हाँ, उनकी धुकधुकी छूटने लगती है, मोबाइल कर देता हूँ बंद कर दो मोबाइल अभी, तो परेशान डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ सही कह रहे। ज्ञात इतिहास की बात करें तो महाराज जी, धर्म के नाम पे विनाश ज्यादा हुआ है, चाहे वो किसी भी कारण रहा हो, चाहे नासमझी का रहा हो, चाहे धर्म का अपना प्रचार की वजह से हुआ हो, तो ये स्थिति है। चलो विस्तार से करेंगे, कभी मिलते हैं।